अरे बेनू, अरे मदन, हाँ, तुम्हारा खेती रोपने का काम खत्म हो गया? हाँ, बस आज हो ही जाएगा, क्यों कुछ काम था? हाँ, दरअसल कल मुझे भी खेती रोपने के लिए दो औरतों की जरूरत होगी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे जमीन रोपना बाकी है। हाँ। ऊपर से पानी भी कम होते जा रहा है। मिल जाएगा, मैं उन दोनों से बात कर लूंगा। तो मुझे उनसे नहीं मिलने से भी काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, मैं तो बोल ही दूंगा ना। ठीक है, तुम इतने धूप में कहाँ जाने के लिए निकल के आए हो? मैं छोटे बच्चे को स्कूल से लाने के लिए निकला हूँ, उसका छुट्टी का समय हो गया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? तुम्हें तो दो लड़के मिले हैं ना, तुम्हारा कोई लड़कियों का झंझट ही नहीं है। पैसा संचय के बारे में या लड़कियों की शादी करवाने के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मुझे दो लड़के ना होकर दो बेटियां होती तो क्या मैं उसे फेंक देता? देखो, अपने बच्चे अपने ही होते हैं, वो लड़का हो या लड़की, उसमें सौभाग्य और दुर्भाग्य की क्या बात है। फिर भी लड़का और लड़की में फर्क तो है। आजकल कुछ भी फर्क नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होगा, मैं इस बात को नहीं मानता। सब हो जाएगा यार, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखना, इस बार तुम्हें भी एक लड़का ही होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा, मैं चलता हूँ, वरना देर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। माँ, मेरे लिए पुस्तक लाने की बात कही थी, लाओगी ना? हाँ बेटा, ला दूंगी। तुम्हें पुस्तक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पढ़ने का बहुत मन करता है। जल्दी जल्दी ला देना, मैं भी स्कूल जाऊंगी। रुबुल भैया बहुत सुंदर स्कूल बैग लेकर स्कूल जाता है। अच्छा? रुबुल भैया लड़का है, इसीलिए सुंदर बैग लेकर स्कूल जाता है और पढ़ लिख कर नौकरी भी करेगा। लेकिन तुम तो एक लड़की हो। पिताजी, लड़की नहीं पढ़ती है क्या? पढ़ती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। पढ़ लिख लेने के बाद भी उसको दूसरों के घर में जाकर खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, और नहीं पढ़कर भी ये सब काम ही करना पड़ता है। इसीलिए लड़की को पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक ही जैसी बात है। मायना को अभी ये सब बातें बताने की क्या जरूरत? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? आपने कभी कोई भी बात सही कहा है क्या? अच्छा ठीक है, तुम भी तो स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल का प्रमाण पत्र रसोई में रख देने से खाना खुद ब खुद बन जाएगा क्या? ठीक है, लड़की को पढ़ाकर लिखाकर कोई फायदा नहीं, लेकिन आप तो पुरुष है, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद पिताजी ने कहा अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लिख लोगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा, शहर में नौकरी करने के लिए जाओगे तो बुढ़ापे में हमारा हालत क्या होगा, हमारी देखभाल कौन करेंगे? वे लोग भी सही है, मैं उन लोगों का एक लौटा बेटा हूँ। उन लोगों के शादी के 15 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। हाँ,
ठीक ही है, जैसा पिता वैसा ही बेटा। बेटे को पिता के जैसा ही होना चाहिए। तुमने दूध पिया, खाना खाया? ओ, तुम खाना नहीं खा सकती, अभी दूध पियोगे मेरी प्यारी मुन्नी। मायना, खेल रही हो? हाँ माँ। माँ, सभी लड़कियाँ खराब होती है क्या? नहीं तो, तुम्हें किसने कहा कि लड़कियाँ खराब होती है? पिताजी कहते हैं कि लड़की रहने से खराब होता है। पिताजी तो वैसे ही बोलते हैं। तुम इन सब बातों में ध्यान मत देना, तुम्हें मैं पुस्तक ला के दूंगी, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? अब चलो, हम अगले हफ्ते अरुण मामा के घर जाएंगे। अरुण मामा की शादी है ना? सच? हाँ बाबा सच। हम अरुण मामा के यहाँ कितने दिन रहेंगे? 3-4 दिन रहेंगे। अरुण मामा हमको लेने के लिए आएंगे क्या? नहीं बेटा, वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे अभी बहुत व्यस्त हैं। हम लोगों को खुद जाना पड़ेगा। हम लोग सब जाएंगे, तुम, मैं और पिताजी, ठीक है? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरुण, शादी में कितने लोगों को बुलाया है? कुछ ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया पिताजी, जिन्हें छोड़ नहीं सकते, जैसे हमारे करीबी रिश्तेदार और दोस्त, बस उन्हें ही बुलाया। बाकी पड़ोसियों को तो आप लोग बुला ही लेंगे। हाँ हाँ बेटा, लेकिन मौसी के वहाँ गया था तू? हाँ माँ, मौसी के वहाँ गया था, मौसी और मामा जी के परिवार को भी बुलाया। ठीक है, वैसे तैसे लोगों को बुलाने से कोई फायदा नहीं है। ज्यादा लोगों को बुलाकर अगर उनकी अच्छी तरह से खिदमत नहीं कर पाएंगे तो मेरी ही बदनामी होगी। बात को मैंने भी सोचा है, इसलिए तो शादी मंदिर में होगी। लोग जानते हैं कि मैं कारखाने में काम करता हूँ। अरे बेटा, आजकल रुपये पैसे वाले लोग भी ऐसे ही शादी विवाह करते हैं। उस दिन रोमन मास्टर की बेटी की शादी में गए थे ना, दोपहर की समय कोई खास लोग नहीं था। माँ, दीदी कब आएगी? रूमी को तो मैंने शादी के 2 दिन पहले ही आने के लिए कहा, पता नहीं क्या करेगी, दामाद जी उसे कब आने देगा। अरे मैं जाके उसे ले आऊंगा। पिताजी जाने से तो अच्छा ही होगा, नहीं तो मैं भी जाने का सोच ही रहा था। अच्छा, तुम छुट्टी कब से लोगे? शादी के 2-3 दिन पहले ले लूंगा, काम तो आगे बढ़ ही चुका है। शाम को कुछ लोगों को बुलाकर बाजार भी करके लाऊंगा। हाँ, हो जाएगा। माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, आते समय पान लेके आना। ठीक है माँ, जरूर। अरे तुम भी कैसी औरत हो, पान तो मैं भी ला सकता था। काम के कारण वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, और उसे ही तुम पान लाने के लिए कहा। अरे इस बातों को तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे बातों को सोचा करो।
अरे तुम जैसे औरतों को बातों को गंभीरता पूर्वक ना लेने के कारण परिवार में हलचल मच जाती है। अरे इतने दिन हो गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना दिन कहाँ हुआ है, पिछले हफ्ते ही तो होना चाहिए था, इसीलिए सोच रही हूँ। पता नहीं इस बार क्या होता है। सुनिए, कल आशा दीदी से मिलके अस्पताल हुआ हो क्या? हाँ हुआ। अच्छा सुनो, और उनके शादी में हमें क्या देना होगा? भाई ने तो कुछ मांगा नहीं है, अपने समर्थ के हिसाब से कुछ भी दे देने से होगा। अच्छा बकरा बेच दूं क्या? हाँ वो बेचने लायक भी हो गया है। ठीक है वही करता हूँ। अच्छा अभी सो जाओ, कल सुबह खेत भी जाना है। चलिए सो जाइए। मुझे तो शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, माँ पिताजी है कि मानते ही नहीं, उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी। अरे तो ठीक है ना, कभी ना कभी तो शादी करना ही था, और बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं होने से ये सही उम्र है शादी करने का। कारखाने के काम से जितना रुपया कमा लेता हूँ उससे खुद का गुजारा नहीं हो पाता, और ऊपर से इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, और अपने आप को चलाने के लिए खुद पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके कमाई बहुत कम है फिर भी वो बिना उधार के अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके दाएं बाएं से बहुत सारे रुपये आते हैं लेकिन फिर भी लाखों के कर्जों में डूबा रहते हैं। ये बात भी सही है। अरे अरुण, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा लो चाय पी लो, आप भी लीजिए। बेनू। अरे मदन कहाँ जा रहे हो? रमेन चाचा के घर होके आता हूँ। अच्छा कुछ देर बैठा क्या? चलो बैठते हैं। हाँ एक खबर सुन के बहुत बुरा लग रहा है। क्या खबर? रमेन चाचा जी की बेटी की शादी तय हुई थी ना। हाँ वो शादी टूट गई। क्या? क्योंकि चाचा जी कल लड़के वाले के घर गए थे। अच्छा। खाना खाने के बाद हाँ? बातचीत करने के लिए सब इकट्ठे बैठे थे, फिर लड़के वाले के घर वालों ने ऐसा कुछ कह दिया, चाचा जी के दिमाग घूम गए। क्या कहा? लड़के के मामा जी ने बोला कि शादी में वो जो दीवार में टांगते हैं ना, बड़ी सी टीवी चाहिए, साथ में फ्रिज भी। चाचा जी तो इतना पैसा वाला है भी नहीं, किसी प्रकार फर्नीचर का जुगाड़ किया है। उसके बाद चाचा जी ने उन लोगों को बहुत अनुरोध किया, अब वो ये सब चीजें नहीं दे सकते, पहले शादी हो जाने दे बाद में कुछ किया जाएगा, लेकिन इस पर वे लोग नहीं माने। अच्छा वो लड़का और उसके पिताजी ने क्या कहा? बाप बेटा तो उससे भी ज्यादा लालची निकले, उपाय विहीन होकर चाचा जी ने ना चाहते हुए भी वहाँ शादी ना करने की फैसला करके लौट आए। इतनी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की को गरीबी की वजह से दाग लग गई। मैंने तुम्हें कहा था ना मदन, आजकल के दुनिया में लड़की पैदा होना मतलब माँ बाप के लिए खतरा है, अब वो जमाना नहीं रहा। हाँ यार लोगों को हो क्या गया है, उनमें सोचने समझने और धर्म ये सब चीजें बचाई नहीं। एक लड़की की जीवन का लेकर कोई ऐसा खेल खेलता है क्या? लेकिन एक बात हाँ, हर आदमी एक जैसे नहीं होते। नहीं मदन, आजकल के दुनिया में सब लोग एक ही जैसे हैं, मशीन की तरह। आजकल तो रुपए पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, प्यार सम्मान सब कुछ। पैसों वाले लोग तो ये सब कुछ कर लेंगे लेकिन हमारा क्या होगा? हो जाएगा यार, जिसके नसीब में जो है वही होगा। नहीं मदन, सब कुछ नसीब की बात नहीं होता, कुछ परिस्थितियों को लोग अपने आप ही बना लेते हैं। नहीं तो रमेश चाचा की बेटी के नसीब में यही लिखा था क्या कि उसकी शादी जिस घर में तय होगी वो घर वाले उनसे टीवी और फ्रिज मांगेंगे और इसी वजह से उसकी शादी टूट जाएगी। अवश्य,
ये भी सोचने वाली बात है। अब समझा मदन, हम जैसे लोगों के घर में लड़की पैदा होने का मतलब है सर में पहाड़ उठाना जैसा। लेकिन लड़की ना रहने से संसार चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मानता हूँ। लड़की अगर पैदा होना ही है तो रुपए पैसों वालों के घर में पैदा हो, जो टीवी फ्रिज ये सब दे सके। तुम्हारे भावना को समझता हूँ यार, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। माँ ये क्या है बोलना? दिखाओ तो। ये कलम, कलम, कमल, कमल, खरम, खरम, कलम, कमल, खरम। वाह, चलो पढ़ो। कलम, कलम, कमल, कमल, खरम, खरम। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ बातें सुनकर मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? नहीं रूमी, मुझे इस बार एक लड़का चाहिए। अरे अचानक आपको ये क्या हो गया है? मुझे क्या हुआ है क्या नहीं ये सब छोड़ो, बस मुझे इस बार एक लड़का ही चाहिए। क्या कह रहे हैं आप, ये अपनी मर्जी से करने वाला काम है क्या? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई तो मैं क्या करूंगा कुछ पता नहीं। क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे क्या? मारूंगा तो नहीं। तो क्या करेंगे, मुझे छोड़ देंगे? हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। कहते हुए आपको जरा सा भी दुख नहीं हुआ? ये सब रोने धोने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए बस। मुझे एक बात बताइए, बच्चा पैदा करने में सिर्फ क्या औरत का ही हाथ होता है, मर्दों का कोई हाथ नहीं होता? जन्म तो औरत ही देती है। देखो ये मैंने लिखा। अच्छा, बहुत अच्छा। माइना, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ूंगी। अच्छा पढ़ोगी, पढ़ोगी? मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कहां से पढ़ोगी, जाओ अंदर। अरे आपने पुस्तक ऐसे क्यों फेंक दिया? पुस्तक भी कोई फेंकने की चीज होती है? ये सब छोड़ो तुम, आप मेरे एक बात गौर से सुन लीजिए, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगी। क्या कहा, तुम भी मेरे साथ जिद करने लगी? हाँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत?
छोड़ने से पहले मैं खुद आपको छोड़ के चली जाऊंगी। जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हें पालने के लिए राह देख रहे हैं। भैया को मुझे पालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना और अपने बच्चों का देखभाल कर सकती हूँ। जाओ जाओ, चली जाओ। जाऊंगी, आप जैसे पागल के साथ नहीं रहूंगी। जाओ, फिर किसने रोका है? आपने जिन बातों को लेकर मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इस मासूम बच्चे के साथ जो व्यवहार किया है, उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक नहीं एक दिन इसी बच्चे के लिए आपको रोना पड़ेगा। रोना तो पड़ेगा, लड़की के पिता जो हूँ। लड़की हंसाती कब है? ये सब बातें सोचकर अब मुझे डर लगने लगा है। अरुण, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, भगवान है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि हम जैसे लोगों को कोई काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। राजीव भैया ने भी मुझे कुछ इस तरह ही समझाया था। अरे, तुझे तो एक बात पूछना ही भूल गया, अब याद आया। कौन सी बात? राजीव भैया के साथ तुम लोगों के रिश्ते कैसे बने? पहले तो वो तुम्हारे घर नहीं आते थे। राजीव भैया से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, और जान पहचान हुआ भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय में वो हमारे अपनों से भी ज्यादा अपने हो गए। तुमसे पहली बार मुलाकात कैसे हुई? पहली मुलाकात कैसे हुई थी? तो सुनो, वही शुरुआत थी। एक दिन मन के हलचल के कारण मैं उनके घर गया। उन्होंने जिस तरह मुझे अपने घर बुलाया था, अगर मैं उनके घर नहीं जाता तो मन को शांति नहीं मिलती। घर जाते ही उनका और भाभी का जो आदर मिला, मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। सचमुच वो बहुत अच्छी इंसान है। उनके गुणों के बारे में क्या कहूं, वो लोगों को निस्वार्थ प्रेम और सहायता करते हैं, और बदले में कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं। जी, ऐसे लोगों का आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। अब चले? चलिए। माइना, तुम्हें चाचा चाची लेने आए हैं। ये लोग तुम्हें अपने साथ रखेंगे। एक ना एक दिन जीजू आपको लेने यहाँ जरूर आएंगे। आएंगे, अगर लड़का पैदा हुआ तो। किसी की बहन होती है, किसी की गुरु होती है।